देव और ट्रॉफी के पहले दिन में जो खेले गए तीन मुकाबले, वो तीनों मुकाबले की करते हूँ मैं बात। साउथ जोन ने 185 रन से नॉर्थ जोन को माई हार, और वेस्ट जोन ने अपना जीत का पूरा हमला नॉर्थ जोन के ऊपर, और सेंट्रल जोन को मिली हार ईस्ट जोन से। 6 विकेट से उन्होंने जीता मुकाबला। ये तीनों मुकाबले की करता हूँ मैं एक शुरुआत से बात, ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन की कर लेता हूँ मैं पहले बात। तो यहाँ पर बताऊँ तो सेंट्रल जोन की तरफ से आपको 47 को रिंकू सिंह का नजर आया, 54 रन उन्होंने बनाए। इम्प्रेस करता वो खिलाड़ी नजर आया गेंदबाजी के अंदर, आकाश दी 3 विकेट लगाया उन्होंने, शहबाज अहमद ने 3 और एम मुन्ना को 3 विकेट मिली, और उपकर सिंह को 1 सफलता उनके हाथ भी आई। वो बहुत महंगे जरूर रहे लेकिन 1 विकेट उनके खाते में आया। और जब आई इस जोन की बल्लेबाजी तो अभिमन्यु ईश्वरन ने 38 रन बनाया, 89 रन उपकर सिंह बनाते नजर आए, विराट सिंह ने 12 रन बनाया। बात करें कप्तान ने 16 रन बनाए और 3 विकेट करण शर्मा ने चटकाया। यश ठाकुर भी थे, शिव मावी भी थे, कोई विकेट चटकाया नहीं। वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी करते नजर आए, 6 ओवर में उन्होंने 28 रन दिया। और बात करें तो बल्लेबाजी में तो बल्लेबाजी में नहीं कर पाए, 5 ही रन उन्होंने बनाया। वो कप्तान थे, 6 विकेट से मुकाबला को जीता ईस्ट जोन ने। और जब नॉर्थ ईस्ट जोन और वेस्ट जोन की अगर बात करें, यहाँ पर मुकाबला नॉर्थ ईस्ट जोन की तरफ से 207 रन उन्होंने बनाए, जहाँ पर सर्वाधिक स्कोर 38 का था लेकिन ग्रुप के खाते में थे। और सफलता में अगरवाला के खाते में 3 सफलता, 2 श्याम मुन्नी के और शिवम दुबे के खाते में 2 सफलता नजर आई। राहुल टिपानी ने भी 1 ओवर डाला, 5 रन उन्होंने दिए। और जब बात करें वेस्ट जोन की जब आई बल्लेबाजी, तो यहाँ पर पंचाल 99 रन की पारी अच्छी खेली और हार्दिक देसाई ने 85 रन बनाया। राहुल त्रिपाठी का इनाबाद 13 रन बनाकर किया आबाद, 9 विकेट से वेस्ट जोन ने जीता मुकाबला। और जब आई साउथ जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन की मुकाबले की कई बार, तो 303 रन बनाया साउथ जोन ने। मयंक अग्रवाल कप्तान ने 64 रन बनाया, तुम्मार ने 70 रन उन्होंने बनाए, एन जगदीशन ने 72 रन बनाए सर्वाधिक किए था। और फिर नितेश राणा ने 1 विकेट लटकाया, मार्टिन ने 2 विकेट, मयंक यादव ने 1 विकेट लटकाया, ऋषि धवन ने 2, संदीप शर्मा के खाते में भी 1 सफलता नजर आई। और जब आई नॉर्थ जोन की बल्लेबाजी, तो 60 रन पर सिमट गई पूरी पारी 23 ओवर्स के अंदर, और सिर्फ 2 बल्लेबाज डबल डिजिट का स्कोर बना पाया, एक शुभम थे और एक मनदीप थे। मनदीप ने करण की नाबाद पारी खेली और बाकी सब आउट में 5 गेंद बाद किया गया, जिसके बाद 5 में चटकाया विकेट, 5 विकेट तरफ पाके खाते में नजर आई। और कुछ अगले 1 विकेट ने 2 विकेट लगाया, साई किशोर ने 1 और सुनील सुंदर के खाते में भी 1 सफलता नजर आई। और साउथ जोन ने 185 रन से जीत का मुकाबला। तो ये था पहला दिन देवाना ट्रॉफी का, जहाँ पर हमने मुकाबले अच्छे देखे। हमने मुकाबले में सबसे पहले टॉप टेबल पर अभी साउथ जोन है, उसके नीचे वेस्ट जोन, फिर ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन और नॉर्थ जोन का खाता नहीं खुला है। आप देख रहे हैं क्रिकेट में, अगर आपको भी लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।